जय श्री राधे। आज देखने वाली हूँ, चेक करने वाली हूँ कि अगले 24 घंटे में आपके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है, क्या नेक्स्ट होने वाला है इन नेक्स्ट 24 आवर्स। और यकीन मानिए, अगर ये वीडियो आपको आज मिली है तो इस वीडियो में आपके लिए कोई ना कोई मैसेज जरूर से छुपा हुआ है। मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, रीडिंग को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं ये मैसेज आपको आज क्यों मिल रहा है, आखिर ऐसा क्या है आपके रिलेशनशिप में जो नेक्स्ट 24 आवर्स में चेंज होने वाला है। श्री राधे श्री राधे, जय जय श्री राधे राधे। चलिए देखते हैं क्या है जो बदलने वाला है, चेंज होने वाला है रिलेशनशिप में। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ रहा है द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, उसके बाद मुझे मिल रहा है द नाइट ऑफ कप्स, द सेवन ऑफ सोर्ड्स, द एस ऑफ पेंटिकल्स, द क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड द हर्मिट। हर्मिट की एनर्जी भी मिल रही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या होने वाला है। सबसे पहले तो जो कार्ड मुझे दिख रहा है वो है द सेवन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बहुत क्लियरली दिखा रही है कि आपके रिलेशनशिप में बहुत कुछ ऐसा है जो आपसे अब तक छुपा रहा है। आपके पार्टनर ने आपसे बहुत सी चीजें छुपाई हैं, आपके पार्टनर ने बहुत बार आपको डिसीव किया है, बहुत बार आपको चीट किया है या ट्रिक किया है। आप कई बार जान के अनजान भी बनते रहे हो, लेकिन अब कुछ ऐसा रिलेशनशिप में हुआ है कि आप उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाए हो और आप कुछ कन्फ्रंटेशन आपका आपके पार्टनर के साथ हुआ है। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है और ये पार्टनर की तरफ से ऐसी कुछ बातें भी हो सकती हैं जो आपको उन्हें बतानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने आपके साथ शेयर नहीं की। इस वजह से आपके साथ अब तक हुआ क्या है, आप गए हो हर्मिट के एनर्जी में, लड़ाई हुई है पार्टनर के साथ, झगड़ा हुआ है, आप स्ट्रेस में आए हो और कहीं ना कहीं आप एकदम बंधा हुआ अकेला खुद को महसूस कर रहे हो, क्लियरली सोच नहीं पा रहे हो। आपकी जो बुद्धि है ना वो एकदम से बंद गई है, क्योंकि आपने इस तरह का धोखा अपने रिलेशनशिप में एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो आप अभी बिल्कुल अलूफ अलोन हो गए हो, पार्टनर से भी आपने बातचीत बंद कर दी है। आप लोग अगर नो कॉन्टैक्ट में हो, सेपरेशन में चल रहे हो, तो भी आपने कहीं ना कहीं बाहर जो एक्सटर्नल दुनिया है, जो वर्ल्ड है, आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली है, उनके साथ भी ऐसा लग रहा है कि आपने कहीं ना कहीं कनेक्शन, उनसे कम्युनिकेशन अपना रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। बहुत रिस्ट्रिक्टेड दिखाई दे रहे हो आप मुझे इस टाइम, बहुत ज्यादा ब्लॉक्ड एनर्जीज में दिखाई दे रहे हो, क्लैरिटी नहीं है, सही से कुछ सोच भी नहीं पा रहे हो। आपके आपके पार्टनर के साथ काफी ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं, वर्बल अब्यूजिंग हुई है, वर्बली बहुत कुछ कहा है आपके पार्टनर ने आपको, आपने भी ऑल दो अपनी बातें रखी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप फिर भी फील कर रहे हो कि जितना आपको कहना चाहिए था या जितनी क्लैरिटी आपको चाहिए थी वो आपको मिली नहीं है। तो आप कहीं ना कहीं मुझे सेटिस्फाइड नहीं लग रहे हो इस कम्युनिकेशन से। जो वजह, जो एक्सक्यूजेस आपके पार्टनर आपके दे रहे हैं आपको, उनसे भी आप मुझे कन्विंस्ड नहीं दिखाई दे रहे हो और आप कंटिन्यूसली पार्टनर के साथ या तो आपका आर्ग्यूमेंट चल रहा है या फिर खुद खुद के साथ, अपने दिल में, अपने मन के साथ आपका एक झगड़ा, एक द्वंद्व चल रहा है। बहुत सवाल जवाब कर रहे हो आप अपने पार्टनर से भी और खुद से भी। कम्युनिकेशन आपके पार्टनर के साथ मुझे रिस्ट्रिक्टेड लग रहा है, ब्रोकन लग रहा है, जैसे कि पार्टनर भी शर्न हो गए हैं तो अब आप दोनों के बीच में क्लियर कम्युनिकेशन भी नहीं है। उसके बाद मुझे तीन बहुत पॉजिटिव कार्ड मिल रहे हैं फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स। अगले 24 घंटे में कुछ ऐसा होने वाला है जहां पे आपके पार्टनर आपकी तरफ एक ऑफर लेके आने वाले हैं। ये ऑफर फोन कॉल के माध्यम से या फिर मैसेज के माध्यम से वो आपको भेजेंगे, एक ऐसी हिंट भेजने वाले हैं जिसमें वो साफ साफ ही आपको बताएंगे, वो आपको हिंट्स ड्रॉप करेंगे कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, चीजों को क्लियर करना चाहते हैं। जो क्लैरिटी अब तक पार्टनर नहीं दे रहे थे, जैसे आपके साथ कन्नी काट रहे थे, आपके साथ बातचीत नहीं कर रहे थे, आपको अवॉइड कर रहे थे, वो अब खत्म होने वाला है नेक्स्ट 24 आवर्स में। सो नेक्स्ट 24 आवर्स में मुझे आपके पार्टनर आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं विद एन ऑफर, एक बातचीत, एक फोन कॉल या फिर एक मैसेज के थ्रू, मिलने भी आपको बुला सकते हैं बाटा। उसके बाद मुझे यहाँ पे पार्टनर की इंटेंट बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर ने डिसीजन ले लिया है, आपके पार्टनर अब ये समझ चुके हैं कि उन्हें इस रिलेशनशिप को कैसे ठीक करना है। आपके लिए एक पॉजिटिव इंटेंट, एक पॉजिटिव डिसीजन मुझे आपके पार्टनर लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत समय से आपके पार्टनर अनश्योर थे, उनको नहीं क्लियर था कि आखिर उन्हें करना क्या है, और आपके पार्टनर क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन में या फिर आप कह लीजिए कि कहीं ना कहीं अपने आप में ही फंसे हुए थे, तो क्लियरिटी से सोच भी नहीं पा रहे थे। लेकिन अब आपके पार्टनर आपके लिए सोच भी रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला,
ऑफर लेके भी कुछ ना कुछ वो आने वाले हैं आपके पास इस बार, और सीरियसली आने वाले हैं इस बार, मजाक या फिर नॉन सीरियसली या फिर केवल प्रेजेंट सिचुएशन को टालने के लिए नहीं आएंगे, इस बार आएंगे तो वाकई में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आते हुए मुझे आपके पार्ट में दिखाई दे रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बहुत सारी अबंडेंस आपके रिलेशनशिप में आती भी देख रही हूँ। पिछले कुछ हफ्तों में आपने बहुत सारा फील किया है खालीपन, अकेलापन, एकदम अंधेरा आपने महसूस किया है, लेकिन नेक्स्ट 24 आवर्स आपके लाइफ में उस लाइट को फिर से लेके आने वाले हैं। आपके रिलेशनशिप में, फिर से मतलब वो रिश्ता आपका हाईलाइट होने वाला है, फिर से लाइमलाइट में आने वाला है, फिर से मेन स्ट्रीम में आने वाला है। अबंडेंस का कार्ड है और ये मैनिफेस्टेशन का कार्ड भी है। आप बहुत समय से अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप को वापस ठीक हो जाए इसके लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे थे। हो सकता है आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स कर रहे हो, बहुत सारे तरीके अपना रहे हो, कहीं ना कहीं आपके जो एफर्ट्स है ना वो अब फलीभूत होने वाले हैं, फुलफिलमेंट आने वाला है, आपकी विश भी ट्रू होने वाली है। 24 आवर्स आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत बहुत ज़्यादा, मैं ये बोलूँगी कि इम्पॉर्टेंट है, डिसाइसिव है और पॉजिटिव है। रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा, राधे राधे हर हर महादेव, या फिर क्लेम लिख के, या जो आप चाहें डिवाइन नंबर लिख के क्लेम कीजिए। मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं, बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग है। एक अंधेरी, बहुत गहरी अंधेरी रात के कहीं ना कहीं मुझे नई शुरुआत, नई सुबह होती हुई आपके रिलेशनशिप में दिखाई दे रही है। राधे राधे।